मोटापे का कारण सिर्फ चलने से ही नहीं होता, लाइफस्टाइल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट मोटापे का, पर उसके साथ साथ हमारे खाने पीने की जो आदतें हैं वो भी मोटापे को बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं, उस पर भी बहुत असर पड़ता है कि हम कैसा खाना खा रहे हैं। तो मोटापे के लिए सिर्फ चलने से ही मोटापा कम नहीं हुआ ना, बाकी भी चीज़ें होती हैं, जैसे आप क्या खाना खा रहे हैं, कैसे आप बाकी चीज़ें अपनी दवाइयाँ जो भी आप बीमारियाँ साथ में होती हैं मोटापे का उनका कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें हमें साथ में वो करनी होती ये किस उम्र में मोटापा ज़्यादा बढ़ता है? क्या बच्चों में भी बढ़ रहा है या सिर्फ जो 40 की उम्र के बाद हैं, किस उम्र में ज़्यादा बढ़ता है मोटापा? हैं। जो हमारी आजकल की इंडियन डेमोग्राफिक्स हैं उसके अंदर अर्ली एज में भी मोटापा और उसकी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसका मेन कारण हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, क्योंकि आजकल जो हमारा फूड है वो ज़्यादा बाहर के खाने की तरफ ज़्यादा हो गया है, जो जिसमें तली हुई चीज़ें और घी और फैट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो अब ट्रेंड है, पहले मोटापा हम एज के साथ ज़्यादा बोलते थे, पर अब बच्चों में भी और यंग जनरेशन में भी मोटापे की रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखी जा रही हैं। अगर आईएमसी की बात करें तो यहाँ पर कितने परसेंट ऐसे आ रहे हैं जो मोटापे से पीड़ित हैं? परसेंटेज का तो देखिए ऐसे बता पाना बहुत मुश्किल है आप एग्जैक्टली, बट हम ये देख रहे हैं कि जितने भी MI मतलब जो हार्ट अटैक के साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनमें मोटापा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स की तरह कंट्रीब्यूट करते हैं। और भी यंग एज में भी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो मोटापे से ग्रस्त हैं। मोटापे से किस तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं? मोटापे के साथ साथ आप शुगर की बीमारी, BP की बीमारी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा साथ एसोसिएटेड होती हैं मोटापे के साथ। इसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए मोटापे से बचने के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ही हैं मेनली, जिसमें आपकी खाने की हैबिट्स चेंज करना, घर का खाना खाना, दूसरा थोड़ा बहुत एक्सरसाइज डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए रिकमेंडेड है कि 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज और वॉकिंग हमारे लिए ज़रूरी होती है। दूसरी हैबिट्स लाइक स्मोकिंग और इन सबको वो करना, अगर आपको उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुकी है, शुगर डेवलप हो चुकी है या फिर हो गया, उसकी रेगुलर दवाई लेना, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जितने भी इंडिविजुअल हैं चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं या बुजुर्ग हैं, सबकी लाइफस्टाइल सिडेंटरी होती जा रही है। मतलब इनपुट जो है वो पेशेंट पीपल्स की बिल्कुल भी नहीं है, लोग खाना खाते हैं एक जगह पे बैठे रहते हैं, इस सिडेंटरी हैबिट से जो है वो उनको भूख का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में जंक फूड खा रहे हैं, घर का बना खाना जो है वो कम से कम होता जा रहा है, बच्चे भी घर के खाने की जगह जंक फूड और बाहर के खाने पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जो लाइफस्टाइल है लोगों की उसमें भी वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं है, घर का काम, पहले लोग खेतों में काम करते थे, पसीना बहाते थे, तो उससे क्या होता था जो जितनी भी हमारी कैलोरीज है वो बर्न होती थी। आजकल लोग घर में ही रहते हैं सारा सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक, तो उनका वर्कआउट कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ जो है वो जो भी उनको खाने को मिलता है वो खाते रहते हैं और वर्कआउट बिल्कुल नहीं करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो अपनी हेल्थ के लिए अवेयर हैं, वो एक्सरसाइजेस भी करते हैं और जिम भी जाते हैं। जैसा स्कूली बच्चे हैं, खेल कूद की जगह मोबाइल रहता है, उसके भी मोटापे, बच्चों में भी इस तरह के मोटापे की मानते हैं कारण? हाँ जी, ये भी सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जो आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा बचपन से ही फ़ोन के एडिक्टेड हो जाते हैं, तो अगर वो फ़ोन पे ही फोकस करते हैं तो जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है, जैसे पहले के बच्चे करते थे कि आउटडोर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते थे, तो बच्चों का इंटरेस्ट उसमें कम होता जा रहा है और वो उसकी जगह फ़ोन पे ही चिपके रहते हैं। फ़ोन पे चिपके रहते हैं ना, उनको भूख का एहसास होता है, जो भी है चिप्स है कुरकुरे है वही खाते रहते हैं और उसी जंक फूड से जो है वो अपना पेट भरते रहते हैं। एक जो बैलेंस डाइट होती है उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें डेली कितनी कैलोरीज की जरूरत है, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ज्यादातर लोगों की जो है वो सिडेंटरी हैबिट है, मतलब ज्यादातर टाइम वो सिटिंग करते रहते हैं, तो सिटिंग करते रहते हैं तो उनको कैलोरीज की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो जो डेली की कैलोरीज है वो मेन 3 मील्स होते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ब्रेकफास्ट में हेल्दी ब्रेकफास्ट
ऑप्शंस है, जैसे हाई फाइबर जो है वो फूड हमें लेने चाहिए इंस्टेड ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट। ओट्स ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, चीला बना सकते हैं, तो बहुत सारे प्रोटीन्स के अदर ऑप्शन है, जैसे बॉयल्ड एग ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ आमलेट, या पनीर या टोफू ले सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स वगैरह के लिए अवेयर नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो जैसे परांठा है वो ब्रेकफास्ट में कंज्यूम कर लेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज रहती है, तो उतनी कैलोरीज वो बर्न नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी मोटापा रहता है।